नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है हाउ टू सेव योर नीज, आप अपने घुटने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि आप अपने घुटने को प्रिवेंट कैसे रख सकते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, ये टॉपिक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों के घुटने में दर्द है या जिनको घुटने की दिक्कत है या घुटने से चल नहीं पाते या पेन रहता है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। दोस्तों ये दुनिया के हर इंसान के लिए ये टॉपिक है, क्योंकि घुटने दुनिया के हर एक इंसान के हैं और घुटनों को सेफ रखना, घुटनों को मेंटेन रखना, बनाए रखना कि घुटने खराब ना हो, ये हर आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों घुटने को बचाए रखने के लिए आपको कुछ एक काम करने पड़ेंगे, अपने लाइफस्टाइल को हल्का सा चेंज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ कुछ एक चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जिससे आपका घुटना लंबे समय तक बहुत अच्छे से चल सकेगा, वो घुटना खराब नहीं होगा। दोस्तों ये जो अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें ये घुटना नॉर्मल है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ पड़ा है। उसके बाद ये जो घुटना है ये हल्का सा घिसना शुरू हो गया, जो ये रेड रेड आपको ये दाने लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि घुटना कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया है। उसके बाद ये जो तीसरे नंबर पे है, यहाँ पर घुटना काफ़ी घिस चुका है, दाने बढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर दिक्कत काफ़ी हो चुकी है। और उसके बाद ये लास्ट स्टेज है, इस पर घुटना बिल्कुल रेड हो चुका है, बिल्कुल लाल हो चुका है, ये आपको दिखा रहा है कि आपका घुटना लगभग खराब हो चुका है। इसके बाद आपको घुटना नया डलवाना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होगी। तो ये एक डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है वीडियो में, जिससे आप समझ सकते हैं कि घुटना किस तरीके से रिएक्ट करता है टाइम टू टाइम जब घुटने में घिसाव शुरू हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि घुटने के खराब होने में ये क्या क्या कारण होते हैं और हम कैसे उनसे बच सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा कारण है घुटने घिसने का शरीर का ओवरवेट होना या वजन का ज़्यादा होना। दोस्तों अगर शरीर का वजन ज़्यादा होगा तो शरीर का जो वेट है वो घुटनों के ऊपर आएगा, ओवरवेट की वजह से वहाँ घिसाव ज़्यादा होगा, वजन ज़्यादा आएगा, जिससे घुटनों में घिसाव होना शुरू हो जाएगा और घुटने खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको बड़े ध्यान से समझना है कि अगर किसी का ज़्यादा वेट है तो उसको वेट कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और अगर किसी का घुटने में पेन शुरू हो गया है और उसको लग रहा है कि उसका वेट ज़्यादा है तो दोस्तों उसको अपना वेट बिल्कुल कम करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आप क्या क्या कर सकते हो घुटने को बचाने के लिए और वज़न को कम करने के लिए। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप अच्छे से चल सकते हैं, आप हल्की वॉकिंग कर सकते हैं, हल्की वॉकिंग बिल्कुल ना छोड़ें, आप ज़रूर करें। और उसके साथ साथ अगर आप वॉकिंग के लिए निकल रहे हैं तो आपको जो शूज़ आपने डाले हुए हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, लेदर शूज़ ना हो, स्पोर्ट शूज़ हो जिसका तला बिल्कुल सॉफ्ट हो, अच्छी ग्रिप का जूता हो। अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो लेडीज़ बहुत सी सैंडल डालती हैं, बहुत सी स्लीपर्स डालती हैं, तो ये चीज़ें बंद करके आपको स्पोर्ट्स शूज़ डालना चाहिए जो सॉफ्ट हो, जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जो आपको परेशान ना करे। और योगिंग में आपको पहले बता चुका हूँ कि आप योगिंग कर सकते हैं, हल्का चल सकते हैं, हल्का तेज़ भी चल सकते हैं, हाँ लेकिन दौड़े ना अगर आपको घुटने में दिक्कत है। अगर आप ठीक ठाक हैं तो आप बिल्कुल दौड़ सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उसके बाद आपने एक और काम करना है घुटने को बचाने के लिए, आपकी जो मसल्स हैं घुटने की, चाहे वो हैमस्ट्रिंग है चाहे वो क्वाड्रिसेप्स है, उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है, जो एक्सरसाइज आप करके आप घुटने को और घुटने की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपका घुटना आपको तंग ना करे। दोस्तों स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज की वीडियो हमने हमारे चैनल पर पहले डाल रखी है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप सीख सकते हैं कि वो एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों है साइकिलिंग।
साइकिलिंग आप कर सकते हो, क्योंकि जब आप साइकिलिंग करते हो तो आपके मसल्स प्रॉपर वर्क करते हैं, लेकिन घुटने के ऊपर कुछ ज़्यादा वजन नहीं आता, घुटने को ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता, घुटना काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, मसल्स काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, मसल्स मजबूत भी होते हैं, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारे घुटने में हल्की दिक्कत है या दिक्कत ना हो उसके लिए डाइट क्या हो, क्या डाइट प्लान हो जिसको खा के हम ठीक ठाक रहें, हमारा घुटना ठीक ठाक रहे, घुटने में ऐसी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों डाइट प्लान में आप कुछ एक चीज़ें ले सकते हैं जैसे मैं भी आपको बताऊंगा। दोस्तों बहुत से लोगों को ये भी मानना रहता है कि भाई देसी घी खाएंगे, चिकनाहट शरीर के अंदर जाएगी, चिकनाहट उसके बाद घुटनों के अंदर जाएगी, घुटनों का घिसाव कम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं होती कि आप अगर खाना खा रहे हो उसमें आप घी ज़्यादा ले रहे हो तो वो घी आपके घुटनों के ऊपर काम करे और आपके घुटने बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं, ऐसा नहीं होता। दोस्तों घुटनों में जो दिक्कत होती है उसमें दो चीज़ों की कमी के कारण घुटने खराब होते हैं, एक तो कैल्शियम है और एक प्रोटीन है। तो दोस्तों आपको कैल्शियम और प्रोटीन ही लेना है अपने घुटनों को अच्छा बनाए रखने के लिए। उसमें आप दोस्तों क्या क्या ले सकते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, जिन चीज़ों में कैल्शियम है, जिन चीज़ों में प्रोटीन है, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। कैल्शियम प्रोटीन की अगर चीज़ों की बात करूँ तो दूध या दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो दही है, चाहे वो पनीर है, चाहे वो लस्सी है जिसे हम छाछ कहते हैं, वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई बीपी की या फिर और कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप ये चीज़ें सारी ले सकते हैं। और अगर मैं कैल्शियम और प्रोटीन की बात करूं या विटामिन की बात करूं तो आप नट्स ले सकते हैं। नट्स में अगर मैं बात करूं, बादाम है, मूंगफली है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो दोस्तों केला और सेब और चीकू, ये ऐसे फ्रूट हैं जिनके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने आपको यही बताया है कि आप अपने घुटने को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों बने रहें डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।